हेलो दोस्तों, नमस्कार, आप सबका स्वागत है एक नए फ्रेश ब्लॉग में। और इस वक्त मैं खड़ा हूँ चितरंजन पार्क में। मतलब हुआ क्या कि आज बैचेस जो हैं काफ़ी लेट से स्टार्ट हुए हैं। पहला ही बैच जो हुआ वो करीबन स्टार्ट हुआ 4:30 पे, सो 4:30 से 5:30 वो बैच किया। अभी आप देखिए मेरा हाल, रेनकोट मैंने पहना हुआ है उल्टा करके, और मतलब बैचेस ले रहा हूँ इस तरह से क्योंकि बारिश जो है रुकने का नाम ही ले रही है। मतलब बारिश हुए जा रही है। सो अभी मेरा एक बैच है यहाँ पर GK2 में और एक बैच फिक्सागुली के पास है, तो दो बैचेस बचे हुए हैं अभी। थोड़ा मतलब टाइम पीछे मिला, वैसे क्यों ना वीडियो को स्टार्ट कर लेता हूँ। तो वीडियो को स्टार्ट कर लिया पे मेरे सामने की स्टैंड है, तो बारिश में तो रुकी है हल्की सी, बट मैंने सोचा कि यार अभी थोड़ा जो वेट कर रहा हूँ तो कोचिंग में मतलब सेंटर नहीं गया बिकॉज टाइम मेरे पास बहुत कम बचा हुआ है। तो अगर मैं कहीं जाता हूँ तो बस वहाँ जाऊँगा और बस जाके आना है, तो टाइम मतलब बचेगा ही नहीं। मुझे थोड़ा अच्छा बढ़िया है कि थोड़ा यहीं पर वेट कर लेता हूँ। यहाँ से जाना फिर भी ठीक है क्योंकि बगल में ही है, और ट्रैवलिंग कर रहा हूँ मतलब रास्ता भी पूरा गीला गीला हो रखा है यार, पूरा मतलब जूते भी गीले हो चुके हैं। सो अभी ट्यूशन के अंदर जाता भी तो मतलब पूरा जूता उतार के जाता हूँ अंदर, क्योंकि इतना गीला है तो चाहे घर गंदा करने में अच्छा लगता है नहीं। मतलब बहुत बुरा हाल है दिल्ली का सच में, और बारिश सुनने में आ रहा है कि 10 दिन तक ऐसी होगी अभी लगातार। सुबह में उठते हैं ना तो इतनी बारिश हो रही होती है, क्या बताऊँ। मतलब लगता है कि जैसे नदी बह रही है, और फिर होता ना कि बारिश रुक जाएगी तो रुकती तो है ही नहीं, मतलब हल्की 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 होती रहती है, और हल्का हल्का मतलब होके ना बहुत ज़्यादा मतलब करना होता है, वो पूरा गीला कर देता है। तो अभी तो मैंने फिर भी जुगाड़ करके इतना, इससे क्या होता है मतलब पूरा तो नहीं बचता फिर भी काफ़ी हद तक बचा लेता है, ये इतना गीला तो नहीं होता है इससे, बस यही सब है। तो ठीक है दोस्तों, अभी क्या करते हैं कि अभी बैच में चलते हैं और बैच के बाद फिर मैं आपसे मिलता हूँ, ठीक है। तो लेट्स गो। तो दोस्तों अभी मैं खड़ा हूँ चिराग दिल्ली का ये स्टेशन है, यहाँ पर आया हुआ हूँ, और अभी बैच खत्म हो चुके हैं। एक लास्ट बैच था अपना 8:20 से 9 बजे तक, वो कैंसिल हो गया आज। तो अभी जल्दी घर जा रहा हूँ, तो सोचा कि जाने से पहले थोड़ा वीडियो बना लेते हैं रास्ते में रुक के। तो एक बैच अपना हो गया 7 से 8 का, दूसरा बैच कैंसिल हो गया। तो बेसिकली पूरा मतलब मौसम आज का है बहुत, मतलब बारिश बहुत हुई है, आप जगह थोड़ा मतलब है कि बूंदे भी नहीं गिर रही हैं, और इतना मतलब माहौल वो था कि मैं क्या बताऊँ आप लोगों को। लेकिन ठीक है, जैसा भी था फाइनली ये हुआ कि आप आराम से जा पाएंगे घर, रास्ते भीगेंगे नहीं। हालांकि फिर हल्की हल्की बूंदे थी, लेकिन अभी वो भी नहीं है क्योंकि उस पूरा जाम लगा हुआ है, पूरा जाम है उस साइड में, उस तरफ जो है मतलब पूरा खाली खाई रोड जा रहा है। तो अभी पूरा टाइम वेस्ट किए बिना सीधा घर पहुंचते हैं। मैं काम करता हूं, घर में जाता हूं और फिर आपसे मिलता हूं, ठीक है। क्योंकि अभी जाके हमको बनाने हैं 2 वीडियोस मेन चैनल के लिए, और उसको मैं कैसे बनाऊंगा उसे दिखाऊंगा, और उसके बाद जो है मिलता हूं मैं आपसे घर में। सो ठीक है। सो दोस्तों फाइनली मैं उसके बाद घर आ गया था, और घर आने के बाद मैंने जस्ट अभी 2 वीडियोज रिकॉर्ड करी है, और सोचा कि दोनों वीडियोज रिकॉर्ड हो ही चुकी है तो क्यों ना अब अपना व्लॉग को भी कंटिन्यू कर लिया जाए। सो मतलब आज का मौसम कुछ ऐसा था कि बहुत ज़्यादा बारिश हुई थी, और उसके बाद मैंने आपको ऊपर पता ही रखा है कि रूटीन आज कैसा रहा। तो मतलब बारिश वाला डेली मौसम हो रहा है, सुबह बारिश शुरू होती है और रुकती ही नहीं है, और रात रात को जाके जो हल्की बारिश रुकती है, तो आने में तो कोई दिक्कत नहीं होती बट जाने में बहुत दिक्कत होती है। सो मैंने आज कोशिश करी कि आपको पूरा दिखा दूँ, तो जितना पॉसिबल उतना मैंने आपको दिखाया, और अब जाके जो है घर का शूट कर रहे हैं। सो मैंने अभी 2 वीडियोज़ रिकॉर्ड करी है, एक किया है मीराबाई चन्नू के बारे में जो कि अभी ओलंपिक गेम्स में हमारे लिए सिल्वर जीती हैं 49 वेट की कैटेगरी में, और एक मैंने वीडियो बनाई है अभी कि चलती ट्रेन में कभी भी उतरना नहीं चाहिए, चढ़ना नहीं चाहिए, क्योंकि अभी ही जबलपुर रेलवे स्टेशन में एक हादसा सामने आया है। इसमें क्या देखा गया कि चलती ट्रेन में एक बूढ़ी महिला और एक आदमी चढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन दोनों जो हैं ट्रेन और प्लेटफॉर्म के बीच में आ जाते हैं, लेकिन दोनों को बचा लिया जाता है, कुछ भी मतलब दिक्कत नहीं होती है। लेकिन ये सिर्फ एक एग्जांपल है कि आप लोग उसे समझ पाएं कि चलती ट्रेन में चढ़ना कितना खतरनाक हो सकता है। तो ये दोनों मैंने वीडियो भी जस्ट शूट किया है, सो आप लोग जब ये वीडियो देख रहे होंगे व्लॉग पे तो ये वीडियो ऑलरेडी रात को आ चुकी होगी। तो इसके जस्ट बाद आप लोग मेन चैनल पर जाइए, दोनों वीडियोज़ देखिए, और कुछ ना कुछ कॉमेंट कीजिए कि आपको वीडियोज़ कैसी लगी। सो ये सब आज का रूटीन था, और अगर आप लोगों ने अभी तक किसी भी वीडियो पर क्वेश्चन अपने नहीं डाले हैं तो प्लीज़ क्वेश्चन कुछ लिख दीजिए, उससे क्या होगा कि मुझे Q&A के लिए क्वेश्चन मिल जाएगा संडे सवाल जवाब के लिए, और मैं संडे सवाल जवाब बना पाऊंगा। तो आपको क्या करना है कि किसी भी वीडियो पर, मयंक केशव फिल्म्स की वीडियो हो या फिर मयंक केशव फिल्म्स की ब्लॉग्स की वीडियो हो, आप अपना क्वेश्चन जो है मुझे भेज सकते हैं। आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेज भी कर सकते हैं, मेरी आईडी है मयंक केशव फिल्म्स, उस पर अपना क्वेश्चन कर दीजिए, किसी फोटो पर कॉमेंट कर दीजिए अपना क्वेश्चन लिख के, तो मैं उससे जो है वीडियो मतलब तो उससे जो है मुझे क्वेश्चन मिल जाएगा, और आप लोगों के सामने संडे सवाल जवाब के लिए वीडियो भी बन जाएगी। सो आशा करता हूँ कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो हम लोग बना रहे हैं 365 डेज 365 ब्लॉग्स, तो डेली आपको सुबह 8 बजे नया ब्लॉग देखने को मिल जाता है। तो आप लोग क्या करना है कि डेली सुबह 8 बजे रेडी रहना है, सारी वीडियोस को देखना है, और जितने भी ब्लॉग्स मैं बना रहा हूँ सबको देखकर कुछ ना कुछ अपना राय देना है कि वीडियो कैसी बन रही, तो की वीडियो कैसी बन रही है, वीडियो में क्या इंप्रूवमेंट हो सकती है, क्या आपको अच्छा लग रहा है, आपको बताना है। तो ठीक है दोस्तों, मिलता हूँ मैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।